subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो आज निफ्टी जो है तो 16,616 पे बंद हुआ है, लगभग 97 पॉइंट गेन के साथ। अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो हम ट्रेड कर रहे हैं लगभग 3.5% ऊपर, लगभग 550 पॉइंट की गेन के साथ इस वीक में। और आज की एक्सपायरी जो है तो पॉजिटिव रही। जिन्होंने भी कल एट द मनी कॉल या फिर इन द मनी कॉल लेकर गए हुए हैं उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है। और यहाँ जो है तो निफ्टी जो मोमेंटम है वो लॉन्ग साइड बिल्डअप हो रहा है। वीकली चार्ट पे 5.5% ऊपर, लगभग 3.5% ऊपर, 550 पॉइंट गेन के साथ। और कल का सेशन बाकी है। डेली चार्ट पे देखोगे तो हम जो है तो 200 डेज का जो एवरेज है उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ जो है तो ये बुलिश सिनेरियो है। और जैसे मैंने कहा था, यहाँ जो शॉर्ट ट्रैप होंगे उनकी शॉर्ट कवरिंग जो है तो आपको टॉप तक देखने को मिलेगी। तो यहाँ जो है तो निफ्टी रहेगा बाय ऑन डिप्स कल के लिए। नीचे जो सपोर्ट है वो है लगभग 400 के अराउंड, 16400 के अराउंड। और उसके नीचे आपको एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट रहेगा 16900 का। यहाँ जो है तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे रैली आपको फ्यूरियस देखने को मिलेगी, क्योंकि जो भी ट्रैप ट्रेडर है यहाँ और यहाँ जो ट्रैप हुए हैं वो शॉर्ट कवरिंग करते हुए दिखेंगे एट द टॉप। तो यहाँ जो है तो उनकी शॉर्ट कवरिंग खत्म होने के बाद ही मार्केट नीचे आएगा। तब तक मुझे लगता है कि 16900 और इवन 17500 के भी टारगेट हमें इस महीने देखने को मिल सकते हैं। 17500 जो है तो ओवर स्ट्रेच है, मगर वैसे क्लूज आ गए अगर न्यूज़ फ्लो मार्केट को सपोर्टिव रहा तो 17500 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। कंजर्वेटिव 16900 के टारगेट आप लेकर चल सकते हो। और मुझे लगता है कि आज के जैसा कल का भी सेशन जो है तो एक फंटास्टिक सेशन होने वाला है बुल्स के लिए। यहाँ बाय ऑन डिप्स रहेगा, आपको 400 के अराउंड अगर मिलता है मार्केट तो खरीदना है। 300 का स्टॉप लॉस, 16300 का स्टॉप लॉस। टारगेट रहेगा आपका स्विंग टारगेट 16900। ये टारगेट जो है तो ये आने में हो सकता है 1 से 3 दिन लगे, कल आया तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो हम मोस्टली हम फोकस कर रहे हैं इन द मनी ऑप्शन पे। तो 16100 का जो ऑप्शन है, 16100 का जो ऑप्शन है उस पर हमने डिप्स पे बाय किया है। और उसका जो टारगेट रहेगा मेरा वो 900 प्लस का रहेगा। आज जो है तो उसने लगभग 425-430 के अराउंड लो बनाया है और अभी जो है तो लगभग 540 के अराउंड क्लोजिंग दी है। तो उस ऑप्शन पे फोकस करेंगे। उसमें जो है तो उस ऑप्शन में हमें फ्यूचर के जैसे गेंस देखने को मिल सकते हैं ऑन टुमारो अगर हम 16900 पे जाते हैं। या शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है, डिप्स आता है तो आपको मार्केट को वॉच करना है, रिवर्सल का वेट करना है और फिर लॉन्ग ही जाना है। यह मोस्टली हम लॉन्ग ट्रेड ही लेंगे या शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। मुझे लगता है कि जिस तरह से मार्केट में अभी ये मोमेंटम बना है और जिस तरह से इसने 200 डेज का जो एवरेज है उसको पार किया है, यहाँ से आपको जो है तो लॉन्ग साइड ही मोमेंटम देखने को मिलेगा। बीच बीच में हो सकता है कि न्यूज़ फ्लो और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से डिप्स आए तो वहाँ जो है तो इंट्राडे में जब बॉटम दिखने लगे तो फिर से आपको लॉन्ग ही करना है। मोस्टली लॉन्ग साइड पे ही रहना है विथ अ 6 स्टॉप लॉस। आई थिंक मोस्टली पैसे जो है तो यहाँ से लॉन्ग साइड पे ही बनेंगे। शॉर्ट साइड जो है तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल के लिए कोई शॉर्ट साइड के ट्रेड बनते हैं मार्केट में। सो आई होप सो कि हमने जो टारगेट दिया था 16550 का वो भी अचीव कर लिया। अभी उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, अभी 16900 का टारगेट खुल गया और हो सकता है कि 17500 का टारगेट निफ्टी जल्द से जल्द दिखा सकता है। तो कीप बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी और जो कॉल ऑप्शन है उस पर फोकस कीजिए, आपके अच्छे खासे पैसे बनेंगे। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी प्रीमियम कॉल चाहिए तो मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरी पेड सर्विस के जरिए, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।